साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी। आज का हमारा सवाल बड़ा सीधा हम तो पूछेंगे में, हमारा सवाल है क्या ममता बनर्जी पर बीजेपी की रैलियों को रोकने का आरोप सही है? एक रोड शो देखिए कैसे हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP Space Y लिखें, अगर आपका जवाब इस सवाल के जवाब में नहीं है तो HTP Space N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें भेजिए, ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #ModiVS Mamta के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर आज की इस चर्चा में मौजूद हैं, स्वागत है दुष्यंत जी आपका। उनके ठीक साथ CPI के नेता दिनेश वार्ष्णेय जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत है। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे सवाल, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ममता दीदी के राज में एक रोड शो ढंग से पूरा नहीं हो सकता और ममता दीदी बात करती हैं लोकतंत्र बचाने की, बंगाल नहीं संभल रहा है उनसे, ये सवाल उठ रहा है। पहले मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए बंगाल में 7 चरणों में पोलिंग हो रहा है। 2 महीने से अमित शाह जी मोदी जी आ रहा है बंगाल में, और बंगाल में आने के बाद आप बोलिए जे 2 महीने से मोदी जी आ रहा है, अमित शाह जी आ रहा है, इसमें एक दिन भी कुछ झमेलावा, कुछ गंडगोल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब लास्ट दिन में जब अमित शाह जी का जब प्रोग्राम था, धरना था, रोड शो जो भी था, उसके बाद रोड शो खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि 6 चरणों में कोई हिंसा नहीं हुई पश्चिम बंगाल में, कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। वो नहीं बताया। आज जो घटना घटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बंगाल में अमित शाह मोदी जी इतना दिन से आ रहा है, एक दिन काला झंडा टीम्स ने दिखाया, एक दिन भी नहीं हुआ। लेकिन आज जो काला झंडा जब TMCP का कोई छात्र संगठन कोई लीडर दिखा, उसके बाद उसका प्रोग्राम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद भाजपा का जो वर्कर्स है वो लोग वहां जाके ईंट मारा, पत्थर मारा। देखिए आप लोग जो प्रोग्राम दिखा है, इसमें एक का TMCP का कोई झंडा है? आप देखिए, हमने जितना भी झंडा आप दिखा रहा है, इसमें सब भाजपा के झंडा है, उनके सर फूटे हुए दिख रहे हैं, खून बह रहा है उनके सर से। आप कह रहे हैं उन्होंने पत्थर लेकर खुद अपने सर पर मार लिया, वही बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं। मैं तो आपको वही बोल रहा हूँ जो पत्थर फेंका है, पत्थर पहले कौन फेंका है? प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म के बाद जब वो लोग वहां से निकल रहा है, निकल के बाद वो लोग जाने के टाइम पर टीम का जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज के अंदर पत्थर फेंका है, पत्थर फेंका, आग कौन लगाया? आप पहले बताइए बंगाल में आग कौन लगाया? बादल दा, ममता ने बंगाल समझ बंगाल ठीक से समझ रहा है, बंगाल ठीक से समझ है। आप पहले बताइए नेहा जी सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात नहीं है, सुन लीजिए। काल भाजपा का जो अध्यक्ष है, भाजपा का अध्यक्ष, उसका पीए के पास से 1 करोड़ रुपया मिला है, 1 करोड़ रुपया मिला है। वो पहले बताइए, 1 करोड़ रुपया लेके बंगाल में क्यों आ रहा है वो लोग? पहले वो लोग बोले झंडा, आज TMCP का झंडा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, आपका चैनल गलत दिखा रहा है, इसमें एक तक TMCP का झंडा नहीं है, काला झंडा दिखा रहा है, उसके बाद पत्थर फेंकने का जरूरी है? क्यों पत्थर फेंका है भाजपा का वर्कर्स, क्यों पत्थर फेंका? वो पहले बताइए, पत्थर फेंकने का जो हंगामा हुआ है, इसका दायित्व कौन लेगा? इतनी कमजोर है ममता बनर्जी की पुलिस? नहीं, बादल दा, आप लोगों की पुलिस कहाँ थी? मैं पुलिस कोई काम से नहीं है, ममता बनर्जी की पुलिस जहाँ पर पांच, सुनिए निहा जी सुनिए, जहाँ पर 5-6 हजार लोग है, अमित शाह जी 10 मिनट पहले बोला जे लाखों के ऊपर लोग हुआ, लेकिन आप देखिए पूरा प्रोग्राम देखिए। और एक बात निहा जी, दिल्ली से नहीं, आप काल ही बंगाल में आइए, बंगाल में आके आप काल आप देखिए कौन किया ये प्रोग्राम, कौन पत्थर फेंका है, पहले पत्थर कौन फेंका है, आग कौन लगाया मेडिकल कॉलेज के बाहर? आप बोलिए मेडिकल कॉलेज के बाहर आग कौन लगाया? टीएमसी ने आग नहीं लगाया, टीएमसी ने आग नहीं लगाया। आपका चैनल में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका चैनल का आप अधिकारी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काल बंगाल में आइए और पूरा जांच कीजिए।